एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ साइंस। आज का हमारा टॉपिक है स्टार्च बायोसिंथेसिस। तो यहाँ पर से मैंने लिखा स्टार्च बायोसिंथेसिस। तो स्टार्च बायोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करने से पहले आपको स्टार्च क्या होता है ये जानना जरूरी है, ठीक। तो यहाँ पर से मैंने लिखा है स्टार्च का केमिकल फार्मूला। तो इसका केमिकल फार्मूला है C6H10O5N। तो यहाँ पर से स्टार्च को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग को फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये एक्सप्लेन करना है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, वह पत्तियाँ सनलाइट को क्लोरोप्लास्टिक की हेल्प से क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और CO2 व H2O क्या करती है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है, और यही ग्लूकोज क्या होता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टार्च क्या होता है, प्लांट का भोजन होता है। तो यहाँ पर से मैंने लिखा है 6CO2 + 12H2O। फिर यहाँ पर से लाइट के प्रेजेंट में क्लोरोफिल यहाँ पर से क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, और यहाँ ग्लूकोज क्या करता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ क्या होता है, प्लांट का फूड होता है। यहाँ पर से हम लोग को स्टार्च क्या होता है ये हम लोग को समझ आ गया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी क्या होती है ये समझ आ गया। अब उसके बाद स्टार्च का डेफिनेशन है कि स्टार्च और एमाइलेज इज़ अ पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या है, एक पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट है और कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरियस ग्लूकोज यूनिट जॉइंट्स बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। तो यहाँ पर से बहुत सारे ग्लूकोज जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के द्वारा आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और स्टार्च क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर से हम लोग को स्टार्च क्या होता है ये हम लोग को समझ आ गया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है हम लोग को समझ आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर लिखा है कि यहाँ स्टार्च ओनली फाउंड इन प्लांट्स। तो यहाँ ओनली कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन मैंने लिखा है कि स्टार्च, द मेन फंक्शन ऑफ स्टार्च इज अ वे इज टू स्टोरेज एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स। तो जो स्टार्च होता है वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है प्लांट्स में, ठीक है। अभी हम लोग को स्टार्च क्या हो गया, उसका फंक्शन क्या हो गया हम लोग को ये समझ आ गया। अब स्टार्च किस स्टेप से बन रहा है, सिंथेसिस मतलब स्टार्च का बनना, तो स्टार्च किस स्टेप से बन रहा है, तो इसका लोकलाइजेशन है कि स्टार्च का फॉर्मेशन किस में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। तो स्टार्च का सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब हम लोग को यह मैंने क्लोरोप्लास्ट की क्या बना दी, ड्राइंग बनाया है। अब मैंने बताया कि इसका सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है स्टार्च का सिंथेसिस। अब इसका सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो केल्विन साइकिल में जो ट्रायोफास्फेट होता है ना उसकी हेल्प से स्टार्च का सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब हम लोग को ट्रायोफास्फेट क्या होता है और ये PI अर्थोफास्फेट क्या होता है, हम लोग को पहले इसको डिफाइन करके फिर इसी स्ट्रक्चर को फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर लिखा है कि द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ अर्थोफास्फेट एंड ट्रायोफास्फेट आर अ मेजर फैक्टर दैट कंट्रोल वेदर द फोटोसिंथेटिकली फिक्स्ड कार्बन इज अ पर्सन हु हैज़ द स्टार्च। तो यहाँ पर से क्या होता है, जो ट्रायोफास्फेट और अर्थोफास्फेट का जो मैंने बताया था ड्राइंग में कि उसका कंसंट्रेशन ये क्या करता है, पूरे जो स्टार्च सिंथेसिस में क्या करता है, उसका कंसंट्रेशन पर ही क्या होता है, डिपेंड होता है। फिर द फास्फेटेज ट्रांसलोकेशन कैटेलाइज द मूवमेंट ऑफ अर्थोफास्फेट एंड ट्रायोफास्फेट इन द अपोजिट साइड डायरेक्शन बिटवीन द क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोसोल। तो मैंने बताया कि ये देखो यहाँ पर से ड्राइंग को बताया कि यहाँ पर से ट्रायोफास्फेट और यहाँ पे PI के कंसंट्रेशन क्या करता है, पूरे और मैंने कि स्टार्च सिंथेसिस में हेल्प करता है, और यहाँ पर से जो एंटीपोटर के रूप में ट्रायोफास्फेट ट्रांसलोकेटर क्या करता है, हेल्प करता है, जो कि क्या करता है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में क्लोरोप्लास्ट साइटोसोल जले जाने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब यहाँ पर से हमारा मेन है कि अ लो कंसंट्रेशन ऑफ अर्थोफास्फेट इन द साइटोसोल जब लिमिट्स द एक्सपोर्ट फॉर ट्रायोफास्फेट फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट ट्रॉक द ट्रांसलोकेशन देयर प्रोमोटिंग द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च इन क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर से हम लोग को ट्रायोफास्फेट और अर्थोफास्फेट समझ आ गया, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन। अब किस स्टेप से काम करता है, तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है वो अर्थोफास्फेट की कंसंट्रेशन पर ही क्या करता है, डिपेंड करता है। जब अर्थोफास्फेट का कंसंट्रेशन साइटोसोल में कम है, साइटोसोल में कम है, तो जिससे कि साइटोसोल में भी कम होगा तो ट्रायोफास्फेट क्या होगा, वो अंदर नहीं मतलब कि साइटोसोल में नहीं आ पाएगा, और जो ट्रायोफास्फेट होगा तो ट्रायोफास्फेट क्लोरोप्लास्ट में रह जाएगा, जिससे कि क्या होगा, स्टार्च का सिंथेसिस होगा। लेकिन जब कंसंट्रेशन PI की ज़्यादा है साइटोसोल में, तो ट्रायोफास्फेट क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और जिससे कि क्या हो जाएगा, सुक्रोज का सिंथेसिस हो जाएगा।
क्लोरोप्लास्ट में केल्विन साइकिल की हेल्प से क्या हो गया, टायोफास्फेट आया जो स्टार्च का सिंथेसिस करेगा, और यहाँ पर से पीआई क्या है, अर्थोफास्फेट है। तो जो हमारा पूरा ओवरव्यू है तो किस में प्रोसेस जो है वो किस में डिपेंड है, तो पीआई की कंसंट्रेशन पर ही क्या है डिपेंड है। और यहाँ पर से क्या है, यहाँ पर बीच में क्या बना, एंटीपोटर बना। एंटीपोटर मतलब क्या होता है कि अब दोनों मतलब जो ट्रांसपोर्ट होगा कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक अंदर आ रहा है तो दूसरा क्या होगा बाहर जाएगा। और हम लोग यूनिपोटर भी जानते हैं कि यूनिपोटर में क्या होता है, ओनली देखो यूनिपोटर में क्या होता है कि ओनली क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है, ठीक है ओनली। लेकिन जो एंटीपोटर में क्या होता है, यदि एक अंदर आ रहा है तो दूसरा क्या होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। और सिम्पोटर में दोनों ही क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं। तो हम लोग एंटीपोटर सिम्पोटर ये समझ आ गए। तो यहाँ पर से जिसकी प्रोसेस हो रही है एंटीपोटर की हेल्प से हो रही है। और यहाँ पर से एंटीपोटर में कौन हेल्प कर रहा है, तो ट्रायोफॉस्फेट ट्रांसलोकेटर है जो क्या करता है, ट्रायोफॉस्फेट को क्या करता है, अंदर ले जाने व बाहर ले जाने तथा पीआई की कंसंट्रेशन को बाहर और अंदर करने में क्या करता है, हेल्प करता है साइटो सॉल्ट टू क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर से लिखा है कि द टू कंपार्टमेंट्स कम्युनिकेट विथ वन अनदर वाय द ट्रायोफॉस्फेट ट्रांसलोकेटर आल्सो कॉल्ड अ स्ट्रिक्सिमियो एंटीपोटर, ठीक है। हम लोग को ट्रायोफॉस्फेट क्या होता है वो जानना जरूरी है। तो ट्रायोफॉस्फेट की हेल्प से क्या होता है, स्टार्च का सिंथेसिस होता है। तो स्टार्च सिंथेसिस फ्रॉम द ट्रायोफॉस्फेट दैट जनरेट बाय द केल्विन साइकिल। तो मैं आपको बताऊंगी कि केल्विन साइकिल में किस स्टेप से ट्रायोफॉस्फेट जनरेट हुआ, तभी जाके स्टार्च से क्या हुआ, सिंथेसिस हुआ। तो यहाँ पर से जो रिएक्शन होती है वो किस में होती है, डार्क रिएक्शन होती है। और यहाँ क्लोरोप्लास्टिक की स्ट्रोमा में क्या होता है, केल्विन साइकिल की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको केल्विन साइकिल बता रही हूँ छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में, कि केल्विन साइकिल के जो स्ट्रोमा है उसमें क्या होता है, केल्विन साइकिल की जो प्रोसेस स्ट्रोमा में होती है, और उसमें जो रेबुलोस 1,5 डाइफॉस्फेट जो होता है उसमें सबसे पहले उसका कार्बोक्सिलेशन होता है। ये प्रोसेस तीन बार होती है, तीन साइकिल होती है, कार्बोक्सिलेशन होता है, रिडक्शन होता है और रीजनरेशन होता है। तो सबसे पहले जो रेबुलोस 1 डाइफॉस्फेट बना उसमें CO2 का कार्बोक्सिलेशन हुआ रिबिस्को एंजाइम की हेल्प से, उसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना, ठीक है। अब यहाँ पर से मेन रोल क्या हो गया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। लेकिन जो ATP और NADPH ये कहाँ से बना था, तो ATP और NADPH जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट रिएक्शन हुई थी वहाँ से बना था। अब इसका यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, तो डार्क रिएक्शन में ATP और NADPH का यूटिलाइजेशन हो रहा है, जिसकी हेल्प से क्या बन रहा है, ATP ADP और NADPH प्लस H प्लस क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है निकल। अभी तो यहाँ पर से क्या हो रहा है, यहाँ पर से ATP और NADPH का डार्क रिएक्शन में यूटिलाइजेशन हो रहा है, जिसकी हेल्प से G3P मतलब कि ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट बनता है, ठीक है, ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट बनता है। फिर यहीं से जो ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट होता है, मतलब कि ट्रायोफॉस्फेट जो होता है वो क्या होता है कि आधा जो होता है वो स्टार्च सिंथेसिस के लिए चला जाता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च सिंथेसिस के लिए चला जाता है। और जो आधा बचे रहता है वो क्या करता है, जो मतलब कि ट्रायोफॉस्फेट जो आधा बने रहता है वो रिबोसिस्को 1,5 डाइफॉस्फेट बनाने के लिए क्या होता है, चला जाता है। तो इस टाइप से जो कुछ ट्रायोफॉस्फेट बने होते हैं वो स्टार्च सिंथेसिस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इतना तो आपको समझ आ गया कि ट्रायोफॉस्फेट जो है वो स्टार्च सिंथेसिस में केल्विन साइकिल से आया और स्टार्च सिंथेसिस में हेल्प करेगा। अब हम लोग को स्टार्च सिंथेसिस की प्रोसेस की स्टेप्स होती है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया जाएगा। अर्थोफॉस्फेट एंड ट्रायोफॉस्फेट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सेवरल रेगुलेटरी एंजाइम द स्टार्च बायोसिंथेसिस पाथवे। तो हम लोग को अर्थोफॉस्फेट और ट्रायोफॉस्फेट क्या हो गया समझ आ गया, और ये क्या करते हैं, सेवरल रेगुलेटरी एंजाइम को क्या करते हैं, ये एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं स्टार्च बायोसिंथेसिस के पाथवे में। अब इसका स्टेप हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पर से जो स्टार्च का बायोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो यहाँ पर से केल्विन साइकिल जो ट्रायोफॉस्फेट बना था, देखिए हम लोग केल्विन साइकिल जो ट्रायोफॉस्फेट बना था वो 2 मोल, जिसमें क्या होता है कि तो फॉस्फेट में ट्रायोफॉस्फेट बना था, और उसके बाद क्या हो जाता है, G3P और DHAP, ठीक है। तो 3-फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर से ट्रायोफॉस्फेट के 2 मोल में यहाँ पर से 1 मोल क्या हो जाता है कि ग्लिस्टरल 3-फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड वहाँ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनने चले जाता है। और यहाँ पर से एल्डोस एंजाइम की हेल्प से क्या होता है, फ्रक्टोस 6-1,6-20 फॉस्फेट बनाता है। अब फ्रक्टोस 1,6-20 फॉस्फेट क्या करता है कि फ्रक्टोस 1,6-20 फॉस्फेट की हेल्प से क्या, फॉस्फेटेज की हेल्प से फ्रक्टोस 6-फॉस्फेट बनाता है। और
यहाँ पर से H2O का क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है, और जिसकी हेल्प से क्या होता है, जो अर्थोफॉस्फेट है वो निकल जाता है, और जिससे कि क्या होता है, अर्थोफॉस्फेट क्या होता है, निकल जाता है, और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। पहले 20-फॉस्फेट था, अब यहाँ पर से ओनली फॉस्फेट क्या हो जाता है, बन जाता है, और 1-फॉस्फेट क्या हो गया है, निकल गया। अब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जो बना था उसका आइसोमराइजेशन मतलब कि उसका समावीकरण होगा, और उसमें से क्या हो जाएगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, हेक्सोज फॉस्फेट की हेल्प से। अब यहाँ पर से क्या होता है, इसे रॉबिनसन एस्टर भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिशन एग्जाम के तौर से, यहाँ पर पूछा जाता है कि रॉबिनसन एस्टर किसे कहा जाता है, तो रॉबिनसन एस्टर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को कहा जाता है। अब इसका आइसोमराइजेशन हो गया, अब उसके बाद जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है वो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की हेल्प से क्या हो जाता है, मतलब कि फॉस्फोग्लूकोज की मिट्टी से हेल्प से ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की क्या करते हैं, हेल्प से। अब ग्लूकोज 1-फॉस्फेट जो होता है वो एडीपी ग्लूकोज पाइरोफॉस्फोराइलेशन की हेल्प से क्या होता है, एटीपी ग्लूकोज में क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब जो एटीपी था वो क्या करता है, वो पाइरोफॉस्फेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर से जो पाइरोफॉस्फेटेस की हेल्प से क्या हो जाता है अर्थोफॉस्फेट में क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, अर्थोफॉस्फेट में क्या हो जाता है, टूट जाता है। फिर जो एटीपी ग्लूकोज बना वो क्या करता है, स्टार्च के सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है, और क्या हो जाता है, स्टार्च का सिंथेसिस हो जाता है, इस टाइप से स्टार्च बन जाता है, ठीक है। ये क्या है, ओवरऑल प्रोसेस है स्टार्च सिंथेसिस का, ये कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि जो ट्रायोफॉस्फेट होता है कैल्विन साइकिल का क्या होता है, ट्रायोफॉस्फेट, जिसकी हेल्प से क्या होता है, स्टार्च का सिंथेसिस होता है, और यहाँ पर से पीआई की कंसंट्रेशन में क्या करता है, डिपेंड करता है, और यहाँ पर से एंटीपोटर होता है, इस एंटीपोटर को ट्रायोफॉस्फेट ट्रांसलोकेटर कहा जाता है, ठीक है, जो साइटोसॉल वाले की जो एंटीपोटर होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, ट्रांसलोकेटर का हेल्प करता है। इतना समझ आ गया। अब पीआई की कंसंट्रेशन यदि लो होगी तो ही क्या होगा, स्टार्च का सिंथेसिस होगा, और हाई होने पर क्या होता है, सुक्रोज का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो मान साइटोसॉल में यदि लो हो रही है तो यहाँ पर पीआई जो होगा, पीआई की कंसंट्रेशन साइटोसॉल में लो होगी तो ट्रायोफॉस्फेट क्या हो जाएगा, नीचे नहीं आ पाएगा, ट्रायोफॉस्फेट क्या करेगा, यदि क्लोरोप्लास्ट में रहेगा तो स्टार्च का क्या कर देगा, सिंथेसिस कर देगा। अब हम साइकिल को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि जो ट्रायोफॉस्फेट जो कैल्विन साइकिल की हेल्प आया वो क्या करता है, एल्डोल एंजाइम की हेल्प से फ्रक्टोज 1,6-20-फॉस्फेट बनाता है, ठीक है। अब फ्रक्टोज 1,6-20-फॉस्फेटेस क्या करता है कि H2O का यानी कि पानी का वाटर का क्या करता है, यूटिलाइजेशन करता है, और अर्थोफॉस्फेट में अर्थोफॉस्फेट गया तो उसमें हट जाता है, ठीक है, अर्थोफॉस्फेट एक अर्थोफॉस्फेट हट गया। अब अर्थोफॉस्फेट के हटने से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनता है, ठीक है। अभी जो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट होगा उसका क्या हो रहा है, यहाँ पर आइसोमराइजेशन हो रहा है, आइसोमराइजेशन मतलब कि समावीकरण हो रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है, तो हेक्सोज फॉस्फेट की हेल्प से। अब यहाँ पर से आइसोमराइजेशन हो गया तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट किसकी हेल्प से कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ मैंने ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया। अब जो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इतना हम लोग को समझ आ गया फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की हेल्प से। अब यहाँ पर से क्या होता है, एटीपी ग्लूकोज पाइरोफॉस्फोराइलेशन एंजाइम की हेल्प से अब यहाँ पर से ग्लूकोज 1-फॉस्फेट था एटीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर से एटीपी था वो क्या बोलते हैं, पाइरोफॉस्फेट में क्या हो गया, पाइरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर से पाइरोफॉस्फेटेस एंजाइम की हेल्प से यहाँ पर से क्या हो जाता है, अर्थोफॉस्फेट में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब अर्थोफॉस्फेट में टूटने के अर्थोफॉस्फेट में क्या हो गया, ये टूट गया, ठीक है। फिर से यहाँ पर से क्या होता है, साइटोसॉल में मूव हो जाता है। फिर यहाँ पर से एटीपी ग्लूकोज था वो स्टार्च का क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा, और इस स्टेप से क्या हो जाएगा, स्टार्च बन जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, स्टार्च सिंथेसिस कहा जाता है, जो कि क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब हम लोग इसका सिंपल प्रोसेस देखेंगे, सिंपल प्रोसेस इन स्टार्च बायोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर से स्टार्च स्टोर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, और इस पता है कि यहाँ पर से जो प्रोसेस होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। कैल्विन साइकिल में जो ट्रायोफॉस्फेट बना एल्डोल एंजाइम की हेल्प से क्या करता है, ये फ्रक्टोज 20-फॉस्फेट बनाएगा। फिर यहाँ पर से फ्रक्टोज 20-फॉस्फेटेस एंजाइम की हेल्प से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पर से क्या हो जाता है, ये हेक्सोज फॉस्फेटेस में आइसोमराइजेशन हो गया। फिर यहाँ पर से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पर से फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की हेल्प से क्या हो जाता है, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पर एटीपी ग्लूकोज पाइरोफॉस्फेटेस की हेल्प से यहाँ पर एटीपी ग्लूकोज बन गया, और यहाँ पर स्टार्च का सिंथेसिस हो गया। फिर यहाँ पर स्टार्च बन गया। ये था इसका सिंपल प्रोसेस, और यहाँ पर कंप्लीट द रिएक्शन सीक्वेंस। थैंक यू।